शादाब खान ने लगा दी चौको छक्को की झड़ी, 9 छक्के और 5 चौके लगाकर मचाया कोहराम। अकेला शादाब रिजवान की पूरी टीम पर पड़ गया भारी। जी हाँ दोस्तों, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस वीडियो में आगे, लेकिन इससे पहले अगर आप भी शादाब खान को एक बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूले, जिससे हमारी अगले आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। कराची में खेले गए पाकिस्तान सुपर लीग यानी PSL के 8वें मुकाबले में इस्लामाबाद यूनाइटेड कड़ी टक्कर देने के बाद मुल्तान सुल्तान से 20 रनों से हार गई। इस्लामाबाद और मुल्तान के बीच हुआ यह मुकाबला हाई स्कोरिंग रहा। इस्लामाबाद के कप्तान शादाब खान ने अपनी तूफानी 91 रनों की पारी में 74 रन चौके छक्के से बनाए। शादाब के इस योगदान के बावजूद इस्लामाबाद की टीम मुल्तान के स्कोर से 20 रन से पिछड़ गई। शादाब खान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। मुल्तान ने इस मौके का बखूबी फायदा उठाते हुए शानदार शुरुआत की। ओपनर शान मसूद और मोहम्मद रिजवान सोहेब मकसूद के साथ मिलकर छोटी छोटी साझेदारियां की, लेकिन बीच के ओवरों में मुल्तान की पारी लड़खड़ाती हुई नजर आई। 10 ओवर में 78 रन पर 3 विकेट गंवाने के बाद रिली रोसो ने नाबाद 67 रन और टीम डेविड ने 71 रनों की पारी खेलकर मोर्चा संभाला। दोनों ने आखिरी 10 ओवरों में टीम के स्कोर को 200 रनों के पार ले जाने में अहम भूमिका निभाई। टीम डेविड ने 29 गेंदों में 71 रन जिसमें 6 छक्के और 6 चौके शामिल थे और रिली रोसो ने 35 गेंदों में 67 रन जिसमें 4 चौके और 6 छक्के जड़े थे। मुल्तान ने इस्लामाबाद को 20 ओवरों में 218 रनों का लक्ष्य दिया था। इस्लामाबाद के लिए शादाब खान के अलावा कोई और बल्लेबाज बड़ी पारी और साझेदारी बनाने में नाकाम रहा। शादाब के बाद एलेक्स हेल्स ने सबसे ज्यादा 23 रन बनाए। शादाब मुल्तान के गेंदबाजों के सामने अकेले मुकाबला करते हुए दिखाई दिए। वह अपने पहले T20 शतक से 9 रनों से चूक गए। शादाब ने 42 गेंदों की पारी में 91 रन बनाए और 5 चौके और 9 छक्के जड़े। इस्लामाबाद की पारी 20वें ओवर में 197 रन पर सिमट गई। मुल्तान सुल्तान अपने सभी 4 मुकाबलों को जीतकर 8 अंकों के साथ पहले नंबर पर है। इस्लामाबाद इस मुकाबले में हार के बाद 2 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर है। बुधवार को PSL में पेशावर जालमी और लाहौर कलंदर्स के बीच मुकाबला खेला जाएगा। तो दोस्तों, इस पर आप भी अपनी राय जरूर दें। साथ ही क्रिकेट के मैदान से जुड़ी ऐसी ही और खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।